बीरबल हिंदी मेधा का चैप्टर थर्ड रीड करेंगे। ठीक है आओ बच्चों, तो आज हम लोग बुद्धिमान बीरबल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के थ्रू हमें बीरबल के बारे में बताया गया है। बीरबल चतुर ज्ञानी थे, वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे मतलब जहाँ वहाँ बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन उन सबसे ज्यादा वह बुद्धिमान थे, इसलिए वो नवरत्नों में से एक मतलब माने जाते थे। ठीक है अकबर के जो थे बहुत प्रिय थे वो, अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लेते थे। मतलब जो बीरबल थे वो इतने बुद्धिमान थे, किसी भी समस्या का आसानी से समाधान निकाल लेते थे, इसीलिए वो अकबर के बहुत प्रिय थे। उनसे संबंधित यह कहानी हम आज पढ़ते हैं। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। उनके वजीर बीरबल थे, जो अकबर राजा थे उनके वजीर जो थे वो बीरबल थे। वजीर मीन्स मंत्री, ठीक है मंत्री तो आप सब लोग समझते ही है ना, उनके सहायक थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, मतलब फेमस थे, मशहूर थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए मतलब बहुत चालाक थे, बुद्धिमान तो थे ही साथ में बहुत चालाक भी थे, तो वो अपनी चालाकी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे, मतलब फेमस थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मतलब और बहुत सारे मंत्री थे उनके दरबार में अकबर के, तो जो और वजीर थे मतलब और मंत्री थे अकबर के दरबार में, तो वह बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मतलब जलते थे उनसे। ठीक है कि यह राजा के प्रिय क्यों है, क्योंकि जो बीरबल थे वह राजा के बहुत प्रिय थे, इसीलिए सारे मंत्री उनसे ईर्ष्या करते थे, मतलब जैसी भावना रखते थे, क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। वे लंबे समय से वजीर का पद संभाले थे, क्योंकि वो मतलब हमेशा वही बहुत लंबे समय से मंत्री के पद पर रहे थे, और मतलब हमेशा उन्हें ही वजीर के पद पर नियुक्त किया जाता था, इसीलिए सारे मंत्री उनसे मतलब ईर्ष्या करते थे या जैसी भावना रखते थे। कुछ एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार रखा है। एक बार की बात है, कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने तानसेन को वजीर की जगह मंत्री बनाने का मतलब मंत्री बनाने को कहा। कुछ और दरबारी थे, उन्होंने राजा से कहा कि क्यों न इस बार तानसेन को वजीर की जगह रखा जाए। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे, और जो तानसेन थे वो बहुत बड़े संगीतकार थे, मतलब गायक थे। ठीक है वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे, मतलब वह भी प्रिय थे, वह भी एक मुख्य मतलब मंत्री थे, क्योंकि वह संगीतकार थे, बहुत बड़े गायक थे, और जो बीरबल थे वह बुद्धिमान थे, चालाक थे, चालाक के साथ साथ बुद्धि में भी बहुत तेज थे वो। बादशाह ने बीरबल और तानसेन में से किसी नया वजीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहे। जो बादशाह अकबर थे उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब बीरबल और तानसेन में से किसी वजीर के पद पर रखा जाए, यह तो उन्होंने सोचा चलो इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, इसका जैसे एक टेस्ट ले लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं कि इस परीक्षा में मतलब कौन पास होता है, तो उसे ही हम वजीर के पद पर रखेंगे, ऐसा बादशाह अकबर ने कहा। ठीक है एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया, और फिर उसके बाद जो बादशाह अकबर ने क्या किया, एक पत्र लिया और दोनों को एक पत्र थमाया, मतलब उन दोनों को एक पत्र दे दिया। उस पत्र को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था, और उस पत्र को तानसेन और बीरबल को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था, मतलब उसको देना था। ठीक है कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंचे, कई दिन की यात्रा के बाद बीरबल और तानसेन वह पत्र लेकर उस राजा के पास पहुंचे, तो उस पत्र को पढ़ा गया, और जब बादशाह अकबर ने वह पत्र
उन दोनों को दिया था, तो ये कहा था उनसे कि आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, यह पत्र उस राजा को देंगे, वही इस पत्र को खोलेगा और वही उस पत्र को पढ़ेगा। ठीक है, तो जब बीरबल और तानसेन वह पत्र दूसरे राजा के पास लेकर पहुंचे, तो वहाँ दूसरे देश के राजा ने जब वह पत्र पढ़ा, पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लिखी थी। और पत्र में लिखा था बच्चों कि इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, मतलब इन दोनों को फांसी की सजा दे दी जाए। सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए। जब वहां पे दूसरे देश में वह पत्र पढ़ा गया और उन दोनों को बताया गया कि इस पत्र में तुम दोनों के लिए फांसी की सजा लिखी हुई है, यह देखकर जो बीरबल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तानसेन जो थे वो भयभीत हो गए, डर गए, वो सोचने लगे ये क्या है। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना है। और वो जो तानसेन थे अपनी फांसी की सजा सुनकर के बहुत डर गए, भयभीत होने लगे और बीरबल से कहने लगे, बीरबल मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना है, बस मेरे प्राण ही किसी तरह तुम बचा लो। बीरबल अत्यंत चतुर थे और बीरबल तो थे ही बहुत चतुर चालाक बुद्धिमान, उन्हें तुरंत उपाय सूझ गया, उन्होंने तुरंत एक मतलब एक समाधान निकाल लिया उस समस्या का। उन्हें दोनों ने काना खुशी की और फिर क्या किया, दोनों ने आपस में काना खुशी की, मतलब आपस में ही कुछ बात की। फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी और फिर दोनों में क्या हुआ, दोनों में होड़ लग गई, मतलब तानसेन कह रहे थे कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा और बीरबल कह रहे थे कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा, इस तरह दोनों में होड़ लगी हुई थी। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए और सारे जो दरबार के वहाँ के जो सैनिक लोग थे यह सब देखकर चिंतित हो गए, मतलब आश्चर्य हो रहा था, हैरान हो रहे थे वो कि ये दोनों में क्या है, मतलब तानसेन कह रहे थे मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा और बीरबल कह रहे थे मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। तो यहाँ मतलब मरने में भी, मतलब ये कह रहे हैं मरने के टाइम में भी मृत्यु इन्हें डर भी नहीं लगता, मतलब सैनिक ऐसा सोच रहे थे कि दोनों डरते नहीं है, मतलब मरने के लिए कितने तत्पर है, कितने मतलब उत्साहित है कि वो कह रहे मैं पहले फांसी चढ़ूंगा और वो कह रहा मैं पहले फांसी चढ़ूंगा। यह सब देखकर वहां के सैनिक हैरान हो रहे थे। सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दी, सैनिकों ने फिर अपने राजा को यह सूचना दी जैसा तानसेन और बीरबल कह रहे थे आपस में। सैनिकों की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। आज जब सैनिकों के द्वारा कही जब इस बात को राजा ने सुना तो राजा भी हैरान हो गया कि यह क्या, मतलब इन दोनों में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ लगी हुई है कि मैं पहले फांसी चढ़ूंगा, मैं पहले फांसी चढ़ूंगा। वह सोचने लगा, लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, राजा हैरान हो गया और सोचने लगा अपने आप में कि लोग मौत की सजा फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी हुई है, मतलब लोग अगर फांसी की सजा सुन ली जाए तो लोग डर जाते हैं, राजा सोच रहा है, और इन दोनों में पहले फांसी चढ़ने पर होड़ लगी हुई है, मतलब परेशान हुए जा रहे, उतावले हुए जा रहे ये लोग तो फांसी पर चढ़ने के लिए। राजा ने इसका कारण पूछा, फिर राजा उन दोनों के पास गए, बीरबल और तानसेन के पास, और पहले फांसी पर चढ़ने का कारण पूछा। तो बीरबल ने कहा, बीरबल तो चालक थे ही, तो उन्होंने तुरंत राजा से कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं, मतलब नेक मीन्स अच्छे। बीरबल ने राजा से कहा कि हे राजा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। बीरबल ने उस राजा से कहा, हे राजा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अकबर बादशाह जीतना चाहता है, उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। ऐसा बीरबल ने उस राजा को बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अकबर बादशाह जीतना चाहते हैं, और अकबर जो है उसके गुरु ने बताया कि आप जैसे राजा को आसानी से हराया नहीं जा सकता है, यदि आप निर्दोष को सजा देंगे तो आपके गुण में कमी आ जाएगी, अगर आप हम निर्दोषों को सजा दे देंगे तो आपके जो पूर्ण अच्छे कर्म है उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है,
ऐसा बीरबल ने उस राजा से कहा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उस राजा से बीरबल ने कहा कि हे राजन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अकबर बादशाह जो है हराना चाहता है और आपको आसानी से हराया नहीं जा सकता। अगर आप एक निर्दोष को सजा दे देंगे तो आपके अच्छे कामों में यानी पुण्य के कामों में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। बीरबल की बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। जब उस राजा ने बीरबल के द्वारा कही इस बात को सुना तो वह राजा कहने लगा कि हे मंत्री, मैं ऐसे निर्दोष लोगों को सजा नहीं दूंगा, हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया और फिर राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया। निर्दोष ने जिसका कोई कसूर ना हो, जिसकी कोई गलती ना हो, ठीक है, और फिर राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए और दोनों तानसेन और बीरबल दोनों अकबर बादशाह के राज्य में लौट आए, यानी अपने राजा के पास वापस आ गए। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और देखा जब अकबर ने कि ये दोनों तो सही सलामत वापस आ गए, तो दोनों को सही सलामत देकर अकबर जो थे बहुत प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा और फिर हमेशा हमेशा के लिए बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा, मतलब उन्हें ही दोबारा उस पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी समय में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मतलब कितना भी कठिन समय आए, अगर हम बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम करते हैं तो उस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आता है। अब इस पाठ का लिखित कार्य शुरू होता है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे इस पाठ के, तो शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी हमारे लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ते हैं उनको। वजीर मीन्स मंत्री, ईर्ष्या मीन्स जलन, अत्यंत मीन्स बहुत ही मतलब अधिक, थमाना देना या पकड़ना, भयभीत डर जाना, चिंतित परेशान होना हैरान होना, नेक मीन्स भला अच्छा, निर्दोष जिसका कोई दोष ना हो, बेकसूर जिसकी कोई गलती ना हो। अब हमारे प्रश्नोत्तर स्टार्ट होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं पीडीएफ फाइल के द्वारा, एक बार रिपीट करती हूँ। बीरबल पूरे राज्य में किस लिए प्रसिद्ध थे? आपने चैप्टर में पढ़ा है बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। कुछ दरबारी बीरबल से किसलिए जलते थे? कुछ दरबारी बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि वो राजा के बहुत प्रिय थे। बादशाह अकबर ने किस बात की परीक्षा लेनी चाहिए? बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन से किसे वजीर बनाया जाए इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। पत्र लेकर बीरबल और तानसेन कहाँ गए? पत्र लेकर बीरबल और तानसेन दूसरे देश के राजा के पास गए। राजा के सैनिक क्या देखकर चिंतित हो गए? राजा के सैनिक उन दोनों में से फांसी पर पहले चढ़ने की होड़ को देखकर चिंतित हो गए। बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया? बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर, मतलब बीरबल की चतुराई से अकबर से वो प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद देखिए अभ्यास कर रहे, बताइए कि ये बात किसने किससे कहे? मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना, ये बात किसने किससे कही थी? ये बात तानसेन ने बीरबल से कही थी। आप बहुत नेक इंसान है, ये बात किसने किससे कही थी? ये बात बीरबल ने दूसरे देश के राजा से कहा था। जीने की रहा, मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या आप कभी किसी परेशानी में पड़े? यदि हाँ तो उस समय वो तो आपने उस समय क्या किया बताइए। मतलब आपको अभी मैंने बताया कि हमें मतलब कितनी भी कष्ट हो जाए, कितना भी मुसीबत की कोई संकट आ जाए तो हमें परेशान हैरान नहीं होना चाहिए। उस समय हमें अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप की कक्षा का एक छात्र पढ़ने में आपसे तेज है, क्या उसे देखकर आपको जलन होती है? यदि याद रखिए, ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं होती है। अरे ठीक है, अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट आपसे पढ़ने में तेज है तो आप भी उसको देखकर पढ़ाई करिए, आप भी उसकी नकल करिए, ना कि आप उसको देखकर ईर्ष्या करिए। चलिए, क्योंकि ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं होता है, ठीक है।
करते हो तो आप भी उसकी तरह बन सकते हैं। ठीक है, भाषा की दुनिया, ये कठिन शब्द है, ये हम आपको ऑलरेडी होमवर्क कॉपी में करवा चुके हैं। चतुराई, सजा, भयभीत, प्रसिद्धित, बादशाह, फांसी, निर्दोष, सकुशल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए इसी तरह दो दो अन्य शब्द लिखिए। एक एक शब्द लिखा है और दो दो शब्द आपको वहां पे और लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 23। प्रिय, फिर उसी जैसे पा और पा से दो शब्द और लिखने, जैसे प्रिय, प्रसिद्ध, प्रकाश, निर्दोष, राहुल, इसमें मात्रा लगानी है, जैसे मार, कर्म। इसके बाद पत्र, जैसे छात्र, क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में काम वाले शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, जहाँ पर काम हो रहा है, मतलब क्रिया, क्रिया लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पर काम हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, वहां पे आपको सही का निशान लगाना है। तो लिखना या पत्र, तो इसमें क्रिया शब्द क्या होगा, काम वाला शब्द कौन सा, लिखना। बीरबल या पढ़ना, तो इसमें काम वाला शब्द कौन होगा, पढ़ना। चढ़ना या फांसी, तो काम वाला शब्द होगा चढ़ना। उपाय या लौटना, तो काम वाला शब्द होगा बच्चों लौटना। यह है हमारे क्रिया शब्द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो उत्तर सही हो उनके सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, यह संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, तो इसमें संयुक्त अक्षर वाले शब्द पे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कौन, इसमें से शुद्ध शब्द है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, दो गलत है, एक सही है। ठीक है, जैसे परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है, परीक्षा। प्रसन्न होना का अर्थ हैरान होना, संग रह जाना, खुश होना, प्रसन्न होना मतलब खुश होना। रचना का संचार, अकबर ने अपने दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली बना रखी है, उन्हें नवरत्न कहा जाता है। बीरबल ने उन नवरत्नों में से एक है, उनकी जीवनी पढ़िए। तो आप बीरबल के बारे में और एक कहानियां पढ़ सकते हैं। पता कीजिए किसी को फांसी की सजा क्यों दी जा सकती है, पता होगा बहुत बड़ा अपराधी रहा होगा, कुछ इस तरह के उसने अपराध किए होंगे, तभी उसको फांसी की सजा दी जाती है। बल से बड़ी बुद्धि होती है, तो बच्चों हमने बताया ना कि बल से, बल मीन्स ताकत, ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। जब हमें बुद्धि होगी तभी हम बच पाएंगे, ना कि ताकत से, तो इसलिए हमें बुद्धिमान होना जरूरी है। ओके, थैंक यू।